नमस्कार, आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आज स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम है आवाज का, जिसमें हम उस मुद्दे पर दरअसल चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर देश में बड़ी चर्चा है। क्या ये मुद्दा चर्चा का विषय होना चाहिए या नहीं, ये हमारी चर्चा है आज की। इसके साथ एक और चीज आज दर्शकों आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे देश किसी ने चरस गांजा एक साल पहले देखा नहीं था, और अगर देखा था तो फिर आज इसको लेकर इतना हो हल्ला क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, क्या देश में कानून बड़े लोगों के लिए अलग होने चाहिए, छोटे लोगों के लिए अलग होने चाहिए, एक्टर्स के लिए अलग होने चाहिए और अधिकारियों के लिए अलग होने चाहिए, ऐसा भी कुछ है? क्या कानून में माफ कर देने जैसी चीज भी है कि अगर वो किसी बड़े आदमी का बेटा है तो उसमें माफ कर देने जैसी टिप्पणियां भी शामिल की जा सकती है? इसके साथ ही हमने देश में किसी भी शहर के, आप आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो गांव देहातों में आजकल जो खेतों में जो कॉलेज बने हुए हैं वहां पर दरअसल चाय की टपरियां नहीं दिखती बल्कि आजकल गांजे की दुकानें मिल जाती हैं। तो क्या वहां बिकने वाला गांजा असली नहीं है या नकली है? अगर वो असली है तो वहां पर एनसीबी क्यों नहीं पहुंच पाती? अगर वो असली नहीं है और मुंबई वाला गांजा असली है और एनसीबी वहां बड़ी तेजी से पहुंचती है, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि एक पोर्ट है वहां पर हजारों केजी इसमें गांजा मिलता है, ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन उसको लेकर कोई चर्चा नहीं, सब शांत है। लेकिन एक लड़का है, एक युवा है, उसके पास कुछ ग्राम गांजा मिल जाता है या मिल जाता है, पोजीशन में है या नहीं ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन उसने गांजा लिया था या नहीं लिया था इसको लेकर ये देश का मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, कोरोना से जो कुछ बिगड़ा, ये देश के मुद्दे होने चाहिए या फिर देश का मुद्दा यह होना चाहिए कि एक युवा जिसने गांजा लेकर एक क्रूज में पहुंचता है उसको लेकर उतना हो हल्ला है कि पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा दरअसल यही है। गृह मंत्री इस पर बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री इस पर बोल रहे हैं और साथ ही साथ सवालों के घेरे में एनसीबी भी अब आ चुकी है। क्या कुछ है आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में शाहरुख खान के बेटे आरन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड और ड्रग्स की काली दुनिया के बीच नापाक रिश्तों की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स सिर्फ बॉलीवुड की समस्या है और समाज के बाकी वर्गों का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। ये समस्या हर जगह है, हर वर्ग में है। हालांकि ये जरूर है कि जब बॉलीवुड से जुड़े लोगों का इसमें नाम आ जाता है तब इस मुद्दे पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत केस के दौरान भी हमने ऐसा ही देखा था। बॉलीवुड में ड्रग्स की समस्या नई नहीं है। संजय दत्त, कंगना रनौत, फरदीन खान, प्रदीप बब्बर जैसे कई फिल्मी सितारे ड्रग्स के चंगुल में फंसने की कहानी दुनिया को बता चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी कुछ दिन तो ये मुद्दा सुर्खियों में रहेगा, लेकिन इसके बाद बात आई गई सी हो जाती है। दरअसल फिल्मी सितारों को अपना आदर्श मानने वाले देश के कई युवा अक्सर नशे के चुंगल में फंस जाते हैं। बड़ा सवाल ये है, ड्रग्स की तरफ युवा आकर्षित क्यों हो रहे हैं और इससे निपटा कैसे जाए? दरअसल शुरू में नशे से मोहब्बत शौकिया होती है, लेकिन शौक को मजबूरी बनते और मजबूरी को मौत बनते देर नहीं लगती। नशे की खेती करने वाले ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कि चोट वही करनी चाहिए जहां नस कमजोर हो। बेरोजगारी और तनाव से भारत ही नहीं दुनिया का लगभग हर देश जूझ रहा है, खासकर कोरोना की दूसरी लहर के बाद। यही नौजवानों की कमजोर नस है। पहले तो उन्हें फर्जी सबज बात दिखाओ, पलायन की लत लगाओ और फिर दम मारो दम, मिट जाए गम जैसे झूठ दोहराकर हमेशा के लिए ड्रग्स का शिकार बना लो। पिछले कुछ सालों में जब भी ड्रग्स को लेकर चर्चा हुई है उसमें पंजाब का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मुंबई में भी ड्रग्स एक बड़ी समस्या है। मुंबई में ड्रग्स की सप्लाई देश और विदेश के कई राष्ट्रों से होती है। यहाँ पर इन ड्रग्स की जबरदस्त खपत है। पिछले साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी ने अनुमान लगाया था कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हर महीने औसतन 500 किलोग्राम मरिजुआना की खपत होती है और ड्रग माफिया हर महीने करीब 500 करोड़ रुपए का काला कारोबार करते हैं। जाहिर है इसमें सिर्फ बॉलीवुड शामिल नहीं है बल्कि दूसरे लोग भी शामिल है। शायद यही वजह है कि मुंबई को भारत की रिटेल ड्रग कैपिटल भी कहा जाता है।
मुंबई के नवाज शोखा पोर्ट पर हर साल करोड़ों रुपए के ड्रग्स बरामद किए जाते हैं। जाहिर है नशा का सामान देश के बाहर से आ रहा है। ये कोई पहेली नहीं है कि भारत में ड्रग्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते आता है। पिछले साल अगस्त में मुंबई में नवाज शेवा पोर्ट पर 1,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए थे। ये खेप अफगानिस्तान से मुलेठी कहकर लाई गई थी। इसी तरह इस साल सितंबर के महीने में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 3,000 किलो हेरोइन बरामद की गई। ये खेप देश में पकड़ी गई देश की सबसे बड़ी खेप थी। ये खेप भी अफगानिस्तान से टेलकम पाउडर कहकर लाई गई थी। इसकी कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपए आकी गई है। भारत के पश्चिमी तट पर इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स पकड़े जाने का मतलब है कि मुंबई के अलावा गोवा गुजरात के तटीय शहरों में इनकी जबरदस्त डिमांड है। यहाँ से देश के दूसरे इलाकों में भी सप्लाई की जाती है। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स डीलर्स को मुंबई इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर उनका माल दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा कीमत पर बिकता है। भारत में मुंबई के अलावा दिल्ली, गोवा, नॉर्थ ईस्ट और पंजाब के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पंजाब में साल 2019 में 460 किलो हेरोइन बरामद की गई थी, लेकिन साल 2020 में ये और ज्यादा बढ़ गई। करीब 750 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये ट्रेंड काफी खतरनाक नजर आ रहा है। ड्रग्स समस्या है, समाधान नहीं। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं। ये जरा सी बात समझना क्या इतना मुश्किल है? अपने आसपास देखिए, क्या कहीं ऐसी एक मिसाल है जहां कोई ड्रग्स लेकर बर्बाद ना हुआ हो? मैं और आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हम भारत के वो कंधे हैं जिन पर देश को आगे बढ़ाने की उम्मीद टिकी है। इसलिए ड्रग्स के खिलाफ बिना समझौते किए एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। ऐसा होने पर ही हम एक गौरवशाली भविष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे। इसको दो तरीकों से देखा जा सकता है। पहला तरीका यह है कि अगर एक्टर्स पान मसाला सिगरेट्स इनका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो बाकी युवाओं की जिंदगियां जो खराब होंगी, क्योंकि अगर ये एंडोर्समेंट करेंगे तो बाकी युवा इनको देखकर अगर इन सब चीज़ों को अपना लेते हैं तो उनकी जिंदगियां भी तो खराब हो रही हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी है इसको देखने का, क्या सिर्फ अभिनेता, एक बड़े अभिनेता का बेटा होना इतना बड़ा जुर्म हो गया कि सारा मीडिया, पूरा एनसीबी का एक एक दफ्तर का व्यक्ति, सब कुछ इसी मामले को लेकर इतना ज़्यादा संगी नजर आ रहा है? तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्राची जी जुड़ी हैं, अभिनेत्री हैं, इसके साथ ही अशोक कुमार साहब जुड़े हैं, अभिनेता हैं। आप दोनों से दरअसल मैं कहना चाहूँगा, ये बहस नहीं करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ चर्चा करेंगे और चर्चा में एक मुद्दे, एक सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे कि आखिर देश में ये क्या हुल्ला बुल्लू है, क्या इससे बड़ा कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा है, या फिर ये क्या अचानक से आर्यन खान ने ड्रग्स लिए, आर्यन खान के पास गांजा मिला, क्या हम लोगों ने भारत भ्रमण नहीं किया है? ठीक है बाहर से कुछ भी बोले, लेकिन अंदर से हर कोई समझता है इन चीज़ों को। नोएडा की बात होती है, मीडिया इतना ज़्यादा दिखा रहा है, उसी मीडिया के अगर फिल्म सिटी में चले जाएं तो आपको कहीं ना कहीं गांजे की सुगंध भी दिख जाएगी, सूंघ लेंगे आप। तो ये सब क्या है, इतना ज़्यादा इसको एक नेशनल मुद्दा ये कैसे बन गया कि शाहरुख खान के बेटे ने गांजा पी लिया? जी प्राची जी, आपसे शुरू करेंगे। देखिए, मेरा मानना यह है कि आपकी बात एक हद तक सही है कि आपका कहना कि क्या युवा ये नहीं ले रहे हैं, युवा ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, लेकिन यही एनसीबी है जिसने देश में 150 छापे 1.5 साल में मारे हैं और 33,000 लोग अभी इस वक्त जेलों के अंदर पैडलिंग के जुर्म में या किसी अन्य तरीके से बंद है। हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन इसे सियासी ऐलान विपक्षी पार्टियां भी दे रही है। मेरा मानना यह है कि अगर जो देश के आइकन माने जाते हैं, वैसे आइकन मानना नहीं चाहिए क्योंकि हमें पैसे मिलते हैं काम करने के। अगर मुझे कोई कहेगा कि आपको सती सावित्री बनना है कैमरे में और ये आपकी कितनी फीस हम देने को तैयार है, तो मैं वही किरदार करूंगी। अगर मुझे कोई कहेगा कि आपको चमेली का रोल करना है या स्वयं को एक जीबी रोड की वैश्या का रोल करना है, तो शायद मैं वो भी करूंगी, क्योंकि कला है। मुझे दूसरे का किरदार को निभाना है, जो किरदार मैं, मेरी व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन जो मैं नहीं हूँ वो निभाना ही ये आर्ट फॉर्म है। अब मुझे देखकर जो युवा फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करिए। अगर आपसे कोई कहेगा कि टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको थोड़ा सा एक एक्ट करना होगा, उसके लिए आपको भरपूर पैसा मिलेगा, तो आप लोग वो भी करेंगे? आप ये कहना चाहते हैं? मतलब मैंने कहा कि आपने कहा कि अगर पैसे मिलेंगे तो कोई भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बताइए कि अगर टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको कोई फॉरेन से अगर फंडिंग देगा तो आप वो भी करेंगे? क्योंकि कला है, जहां पर, क्योंकि जब देश की बात आती है तो सबको पता है कि बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। यही मैं सबसे कहती हूँ,
आप लोग देख कर, ठीक है, अब जिम्मेदारी कहाँ से आ गई प्राची जी, अब जिम्मेदारी कहाँ से आ गई? जब पान मसाला सिगरेट तंबाकू इनका अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आपको लोगों से देश बनता है कि बाउंड्री से देश बनता है? देखिए देखिए, आपने अभी कहा था ये डिस्कशन है तो मुझे मेरी बात रखनी चाहिए। ऐश्वर्या राय के पास एक एड आया बार्बी डॉल का, तो वो बार्बी डॉल गोरी थी, तो वो रेसिज्म को प्रमोट नहीं करना चाहती थी। वो एड कैटरीना ने ले लिया, लेकिन उन्होंने वो ब्रांड एंडोर्स करने को मना कर दिया। ये होती है जिम्मेदारी, एक अच्छा हर किसी को हम नहीं समझा सकते। अभी तो आपने कहा था कला होती है, देखिए कला और के साथ जिम्मेदारी भी है ना। अगर मैं किसी वैश्या का किरदार निभा रही हूँ तो मैं उसकी जीवन शैली को दिखा रही हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है जीवन में। ये नहीं कि उसको अच्छा दिखा, ये नहीं कि उसके जीवन को ये दिखाया जा रहा है कि वो बहुत खुश है। अगर ये दिखाया जाएगा कि वो खुश है तो मैं नहीं करूंगी उस किरदार को। मैं वो करूंगी कि उसकी संघर्ष और वो वहां से कैसे निकली। मैं स्क्रिप्ट देखूंगी वो वहां से कैसे निकली। अगर वो समाज के लिए नजीर बन रही है, कोई एग्जांपल बन रही है, तो मैं कहूंगी हाँ ये किरदार है करने लायक, तो वो किरदार करा जाएगा। अब कोई कहेगा कि तुमको वो किरदार करना है उतना, एक तो हम वो किरदार करें। ठीक है ठीक है, प्राची जी आर्यन पर आते हैं। ठीक है जी, आर्यन के मुद्दे, देखिए आर्यन, देखिए आर्यन का क्या है कि आर्यन ने खुद एक्सेप्ट करा कि मैं 4 साल से ले रहा हूँ। अब आपका कहना कि गली कूचों में हर कोई लेता है, मैं पहाड़ से आती हूँ, मैं खुद अल्मोड़ा की हूँ और मेरा पैतृक गांव अल्मोड़ा है और नैनीताल अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जी, तो हमारे वहाँ ये चीज कॉमन है, मैं जानती हूँ। लेकिन मतलब आप लेती हैं तब भी अच्छी है? नहीं नहीं मैं नहीं लेती, हमारे वहाँ कॉमन है भाई ये चीज। जो बड़े बूढ़े कुछ लोग लेते हैं, हम लोग नहीं लेते, हम क्यों लेंगे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही ने कहा कि कॉमन है हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे यहाँ। कॉमन है ये उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड में लगता है ये, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब उत्तराखंड में कॉमन है, उत्तराखंड में सब पीते हैं, तो एनसीबी को उत्तराखंड में डेरा डाल देना चाहिए। समझ नहीं है, या तो आप समझ नहीं रहे हैं या आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि आपने एक तरफ तो कहा कि ये बहस नहीं है, एक तरफ आपने कहा कि ये डिस्कशन है। आप अगर ऐसे बोलेंगी तो किसी आप प्रदेश का नाम खराब मत करिए। आप बात ही नहीं पूरी होने देंगे, कौन सी बात हो गई? ठीक है नाराज मत होइए, चलिए कहिए चलिए कहिए। देखिए कॉमन का मतलब है वहाँ ग्रो होता है, और कई लोग शिकायत करते हैं जो बच्चे, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ और एक एनजीओ की प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा ये बड़ी दिलचस्प बात कही आपने, ग्रो होता है, ग्रो मतलब किस लिए ग्रो किया जाता है? अपने आप ये जंगली है, हमने तो यही सुना है, मुझे इसका विस्तार पूर्वक नहीं पता, या तो मैं आर्यन के बारे में बातें करूं या आप तो करेंगे। ठीक है नहीं आप इसको देखिए ऐसा है। ठीक है प्राची जी के सपोर्ट में मैं एक बात बोलना चाहूंगा। प्राची जी एक मिनट नहीं, अशोक जी आप पर आऊंगा आपको तब मौका मिलेगा। प्राची जी इसका कंप्लीट हो जाए, जरा कहिए प्राची जी वाली बात को सब। अशोक जी आप पर आ रहा हूँ, अशोक जी आप पर बिल्कुल आ रहा हूँ। अशोक जी एक मिनट में बात करूँ। देखिए मैंने सुना है मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, ना मैं कभी अल्मोड़ा में इतना रही हूँ, सिर्फ 2-3 बार गई हूँ, क्योंकि हमारी 2014 में वहाँ शूटिंग हुई थी और मैं ये चाहती थी कि मेरे वहाँ के लोगों का रोजगार बढ़े, तो प्रत्येक 60-70 लोगों को रोजगार मिल जाए मेरी शूटिंग के दौरान, तो इसलिए मैं अपनी तमिल फिल्म की यूनिट को लेके गई। और हमारे साउथ की यूनिट जो होती है वो बड़ी अलग होती है, वहाँ बड़ा पूजा पाठ चलता है, वहाँ इस तरह की चीजें बहुत ना के बराबर है हमारे साउथ में, क्योंकि इन चीजों को हम अच्छा नहीं मानते। हमारा पूजा से शुरुआत होती है और पूजा से ही एंड होता है, और हमसे ही पूजा करवाई जाती है, हमारे वहाँ एक संस्कार किस्म का चलता है। मैंने जब उत्तराखंड की हालत तब देखी जब मैं 2 साल पहले गई, तो जब मैं 2 साल पहले गई मैंने देखा कि एक भैया, जब हम 3rd में पढ़ते थे, वो 11th में पढ़ते थे, वो किसी बड़े नेता के बेटे, मैं उनका नाम नहीं ले सकती अभी, तो उनकी हालत वैसी थी जैसे वो 12th में थे। वो वहां मेरे घर के पास बैठकर, मैं जॉगिंग करने के लिए गई तो वो फूटिंग कर रहे थे, तो मैंने उनकी कंप्लेन कर दी, बाद में पता चला वो लोग नशा कर रहे हैं। तो मैंने वहां से होम, ये जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसको आरटीआई दाखिल करा कि आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं। तो मेरे पास आया कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कुछ दिनों में जब मैंने लिखा कि आप तो शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, मैंने ऐसा लिखा, तो उसके बाद उत्तराखंड में छापे पड़े, उसके बाद काफी जगह छापे पड़े, क्योंकि उत्तराखंड में तो ये बहुत ज्यादा, मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में नहीं है, ये कुछ कुछ ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा
मिलिट्री वगैरह में जाते हैं, जैसे कोई अगर जॉब नहीं मिलता है तो कहते हैं भाई चलो मिलिट्री में भर्ती हो जाओ, कुछ तो देश के काम आओगे और कुछ पैसा भी मिलेगा, ये बोलते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, तो वहां पर ये मैंने बहुत पलते फूलते देखा, और मैंने एक आध रिश्तेदारों के लड़के भी देखे जिनके फादर मदर बैंकिंग में हैं, और वो बच्चे 80-80 हजार रुपए अपने घर से चुरा के जा रहे हैं और उनको कोई सुध नहीं है, वो कि अपनी माँ से कैसे बात करते, बाप से, चाहे ये आर्यन हो। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ आर्यन गिरफ्तार हुआ, कि आर्यन की वजह से जो लोग है ना, छोटे जो लोग हैं वो ये सोचेंगे मध्यम वर्गीय कि देखिए आर्यन जब गिरफ्तार हो सकता है 500 करोड़ के बंगलों में रहने वाला, तो हमारी भी बारी आ सकती है, कम से कम आर्यन के फादर उसको सुधार के ला सकते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं उन लोगों के लिए ये दिक्कत है कि अगर उनका बेटा एक बार चला जाता है तो वो कितना रिहाब कर ले, वो दोबारा दोबारा जब करता है तो अफोर्ड नहीं कर पाते। घर के घर उत्तराखंड में मैंने बर्बाद होते हुए देखे, अपने कुछ रिश्तेदारों के भी देखे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वैसे ही गंदगी को साफ करना अपने घर से ही। मुझे उत्तराखंड की इतनी फिक्र क्यों है, क्योंकि भाई वो मेरी पैतृक नगरी है, वहां से अगर कुछ होता है तो मुझे बुरा लगेगा, समूचा भारत हमारा है। लेकिन ये लोग जो बहुत अफोर्ड कर सकते, कोकीन कोई सस्ता नशा नहीं है चौहान जी, कोकीन जो है वो सस्ता नशा नहीं है। इतना आउंस एक एक ग्राम या 100 ग्राम, 1 ग्राम या 2 ग्राम मैंने सुना था आज से 5 साल पहले 5,000 रुपए का आता था। आपको पता है, आपको पता है प्राची जी, आप पर बुरा मत मानिएगा, आप कह रही हैं कि मुझको पता है कि 5,000 का आता है, सिर्फ आर्यन और अनन्या के बीच सिर्फ यही चैट मिली है। आर्यन बता रहे हैं कितने का आता है, अनन्या पूछ रही है कितने का नहीं आता है, तो आपको ये जो भी जानकारी दे रहा है, कल को ऐसा ना हो कि आपके भी फंसने के आसार बन जाए। ठीक है, देखिए ऐसा है, मैं खुद पुलिस के पूरे ग्रुप में हूँ और मैं खुद ये बड़ी बड़े चैनल्स में भी जाके सारी बातें बोलती हूँ। अनन्या का नाम पुलिस की भी पैटर्न से बातचीत होती है कि कितने का आता है कितने का नहीं आता है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये सबको पता होता है मार्केट में कि आप जो पीते हैं ये कितने रुपए चुरा के ले गया लड़का, पूछते हैं हम लोग। मैं आरटीआई करती हूँ, मुझे पता नहीं कि जब आरटीआई करते हैं तो पूछते नहीं माँ बाप, कहते आप आरटीआई में इसका रेट पूछती हैं। ठीक है, चलिए अशोक जी के पास आते हैं आप। ठीक है, आपने कहा मैं आरटीआई करती हूँ, मुझे रेट पता है, रेट कैसे पता होंगे आपको, आरटीआई में रेट पूछे जाते हैं क्या? ठीक है, आपने बातें नहीं सुनी है, माँ बाप कहते हैं हमसे, कंप्लेन करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो बताते हैं लोग कि हमारे घर माँ बाप कंप्लेन करते हैं। माँ बाप किस क्या कंप्लेन करते हैं? माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि हमारे घर से बच्चा जो पैसे चोरी करके ले गया, तो मैं बोलती हूँ इतने 80,000 का क्या करेगा, तो बोलते हैं अरे 5,000-5,000 की पुड़िया आती है छोटी छोटी। मैं बोलती हूँ किसकी पुड़िया, कहते हैं स्मैक की। अब स्मैक क्या होता है, कोई पाउडर होता है क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ चीज होती है जिससे नशा करते हैं। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कोकीन लोग क्या करते हैं, खाते हैं कि पीते हैं। जब हमने इन्हीं को देखा शाहिद वगैरह को, कि ये कहते हैं कि हम वेगन हैं, हम तो स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, लेकिन ये सब करते हैं। ठीक है प्राची जी, देखिए आप बातों को बुरा मत मानिएगा, दरअसल मैं आपसे इसलिए चुटकी ले रहा हूँ क्योंकि आज जब आर्यन जेल में है तो एनसीबी वाले इसी तरीके की बातें करें कि हमने व्हाट्सएप चैट देखी, उन्होंने किसी से कहा लेट्स हैव अ ब्लास्ट। देखिए वो पीता है इससे कर रहे हैं, हम तो वेगन हैं, हमसे क्या बातें होंगी ऐसी, हमसे तो पूछा जाए, अगर हम पैनलिस्ट हैं तो उसी तरह से इज्जत से सम्मान से हमसे पूछा जाए, क्योंकि हम यहाँ कोई इंटरोगेशन तो करने आए नहीं है, यहाँ कोई पुलिस तो बैठी नहीं है, और पुलिस भी बैठी होती तो सबको पता है, यहाँ पुलिस सबके बारे में जानती है, मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानती है कि हम कितने इज्जत से काम करते आए हैं और कितने अच्छे अच्छे ऑफर हमने ठुकराए और किस किस वजह से ठुकराए और क्यों ठुकराए हैं, और जितों का मैंने नाम लिया है वो कर देते मुझ पे केस, अगर वो सच्चे नहीं होते, जब मैंने प्रभु देवा का नाम लिया तो कर देते मुझ पे केस, क्यों नहीं करा उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने मुझे क्या ऑफर करा था और किस मूवी में ऑफर करा था। प्रभु देवा की बात कर रही हैं आप? जी प्रभु देवा की बात कर रही हूँ। थोड़ा खुलकर बताएंगी? नहीं, ये इसका विषय नहीं है। ठीक है चलिए, इस सब्जेक्ट का विषय। ठीक है चलिए अशोक जी के पास आते हैं। अशोक जी आप पूरी चर्चा को समझ रहे हैं, पूरी चर्चा के विषय को समझ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ठीक है बड़ा हो या छोटा हो, बड़े अभिनेता का बेटा हो या सामान्य आदमी का बेटा हो, लेकिन अगर कुछ गलत किया है तो उसको जेल में जाना चाहिए, इंटरोगेशन का सामना करना चाहिए, एनसीबी का सामना करना चाहिए, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इस पर कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि जस्ट बिकॉज वो एक अभिनेता का बेटा है इसलिए उसको अलग से टारगेट किया जा रहा है, अलग से पिन पॉइंट किया जा रहा है, और जो सबूत मिल रहे हैं वो भी ज़्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आ रहे, एविडेंसेस भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। आप क्या राय रखते हैं? देखिए पहली बात, लोगों को शौक है दूसरों को बड़ा बनाने का, हमको शौक नहीं किसी को बड़ा बनाने का। लोग जो है क्रिकेटर को बड़ा बना रहे हैं, पॉलिटिशियन को और फिल्म स्टार को। अब ये बोलना चाहे
आर्यन की खुद की पब्लिसिटी हो रही है और आगे चल के वो एक बहुत बड़ी फिल्म करेगा, इस बात पे आप क्या कहोगे? बोलिए। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तो इसको हमेशा से मैं सोचता हूँ कि कंट्रोवर्सी जो है वो दरअसल बॉलीवुड स्टार्स के लिए एक पॉपुलैरिटी का साधन होती है। ये जो पॉपुलैरिटी हो रही है, क्योंकि आज जो है बदनाम वही नाम वाला है, बिग बॉस ये भी उसी बात पे चलता है, कौन कितना बदनाम है। आपका जो सवाल था, कि भाई पब्लिसिटी ये तो न्यूज चैनल को डिसाइड करना चाहिए। ऐसी पब्लिसिटी में कहां काम देते हैं, आप खुद जानते हैं। बात नहीं सर, ये बात गलत है। आर्यन खान को काम लेने की जरूरत कहां है, उनके तो घर पर काम बढ़ता है। देखिए, जब कोई देखेगा ही नहीं ना मूवी, हमने बड़े बड़े को ना अर्श से फर्श, फर्श से अर्श आते हुए देखा है। अब उसको लॉन्च करने की तैयारी थी, सारी मट्टी पलीत हो गई, तो ये अब कोई उसको देखने वाला नहीं है। अब ये यूपी में भी शिफ्ट हो रही है इंडस्ट्री, जो युवा जाते हैं ना उनको पंखे से जो लटकाया जाता है इसी तरीके से, जैसे यहाँ 1 लाख रुपए। इसी इंडस्ट्री में आर्म्स एक्ट के जो आरोपी थे, इसी इंडस्ट्री में संजय दत्त को भी लॉन्च होते, संजय दत्त को एक बड़ा चेहरा बनते, सभी ने देखा है। तो ऐसा कुछ संजय संजय दत्त एक सेकंड, वो टाइम कुछ और था, अब जनता बहुत जागरूक है। वो संजय दत्त जो है वो स्लम में पड़े रहते थे, वो अफीम गांजा चरस पीकर उनके फादर को कितनी एम्बैरेसमेंट होती थी ये सब जानते, लेकिन वो वक्त कुछ और था। ये वक्त था जब लोग ठीक है पांच लोगों में गाड़ी चला के अपने लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते थे। अब ये वक्त नहीं है, ठीक है। आप दरअसल प्राची जी ये कह रही हैं कि आर्यन का टाइम खत्म। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आपको तो हमारा साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो युवा जो सीधे साधे ढंग के, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, वैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं चाहती हूँ कि साफ सुथरे ढंग से मैं और मेरे आने वाली पीढ़ियां जाए, काम करे और घर आए, ना कि उठपटांग ऑफर उनको मिले, ना कि उनको ड्रग सप्लाई करने के लिए कोई बोले, ना ही उनको कोई ड्रग पीने के लिए बोले। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आप नहीं पी रहे हैं, अगर आप पी रहे हैं, मैं नहीं पी रही हूँ, तो आप मुझे अपने सीक्रेट रिवील नहीं करेंगे। इंडस्ट्री में जो गंदगी है उसको तो आप लोग सामने लेकर आएंगे ना, नहीं कर सकते जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है, जब लड़कियां खुद तैयार होती है तो हम क्या कर सकते हैं। वो एक एवरेज लड़की को 10 किलो मेकअप लगा के रख सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल लोगों को नहीं रखेंगे अगर उनके पैटर्न के हिसाब से कोई नहीं जीता है। मेरी जगह आशा सैनी को रखा गया, या क्या बोलते हैं उनका नाम, फ्लोरा सैनी कौन है वो, कौन आई थी उस वक्त मुझे नहीं मालूम है। मेरे जगह प्रभु देवा की मूवी में उसको रखा गया, क्यों? कोई भी कुछ भी मान सकता है, नहीं मान सकता है, इस पर कोई कुछ ऐसा नहीं होता है। देखिए, फिर इसके लिए वैश्यावृत्ति केंद्र है, वहाँ काम कर सकते हैं ना लोग। ये एक्ट्रेस अगर कोई फेवर मांगे किसी की, तो ये भी कोई इसको भी आप एक हे की नजरों से मत देखिए। ठीक है, सबका अपना अपना काम है, अपने अपने काम है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि फिजिकल फेवर मांगना काम है, मैंने आपने कहा कि वैश्यावृत्ति सेंटर में रखिए, मैंने कहा इसको आप हे की नजरों से मत देखिए। नहीं, हे की नजरों से क्या, ये अगर किसी महिला मैंने कास्टिंग काउच का समर्थन नहीं किया, मैंने तो मैं तो यहाँ पर मैं तो बात कर रही हूँ, उससे तुलना कर रही हूँ। एक लड़की है, अच्छी खासी है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, उसको इस तरह से उसको उसके पास वो पूरे राइट्स हैं, वो फ्री है, वो जो चाहे वो कर सकती है। आपकी तो क्या, कौन कर सकता है इस तरह की चीजें, कर सकते हैं आप अपने घर की लड़कियों को अलाउ करेंगे? नहीं नहीं, आप घर के लड़कियों पर क्यों पहुंच गई, आप महिलाओं को इतना कमजोर समझते हैं कि सीधे अगर पुरुष बात कर रहा है तो उसकी माँ और बहनों पर पहुंच गए। मैं आपके पिता और भाई पर पहुंच सकता हूँ क्या, ये देखिए, महिलाएं जो है महिलाओं को खुद कमजोर बनाती है, आप तुरंत मेरे घर की महिलाओं पर पहुंच गई, मैं आपके घर के पिता या भाई पर पहुंच सकता हूँ कभी भी। बातें कर रहे हैं यहाँ पर, आप उठपटांग बातें कर रहे हैं, खुद पर्सनल हो रहे हैं, उसके बाद आपको चुभ रहा है। आप कह रहे हैं कि ये महिलाओं का हक है, फिर कह रहे हैं आप, नहीं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कह रही हैं कि महिलाएं जो हैं वो वैश्यावृत्ति में उतर जाएं, ये लोग फेवर्स लेती हैं। मैंने कहा उनका राइट है, जो जो चाहे कर सकता है, मैंने क्या कहा आप समझी नहीं। आप कह रही हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो एक्ट्रेसेस से फिजिकल फेवर्स मांगते हैं एंड दे एग्री टू इट, तो ये उनका राइट है, इस पर कोई कानून नहीं है कि वो एग्री नहीं कर सकती, कर सकती है। कास्टिंग काउच एक अलग मसला है, कास्टिंग काउच एक अलग मसला है, अगर आप
अब इसके लिए जेल है, अगर आपको ये पता नहीं है इसके लिए जेल है। अगर आप कंप्लेन कर देते हैं और वो पकड़े जाते हैं, रेड हैंडेड शक्ति कपूर पकड़े गए थे, उनको जेल, उनको उस समय जेल हुई थी, रिमांड पे गए। ठीक है, अशोक जी जवाब दे रहे हैं। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आपको ये प्रोग्राम चलाना चाहिए कि किस किस बात पे कानून है, कि लोग कानून से डरे। मी टू पे कानून है, कास्टिंग काउंसिल पे कानून है, एग्जैक्टली उस पर कानून है, एग्जैक्टली उस पर कानून है, एग्जैक्टली उस पर कानून है। नहीं, अगर एक अगर एक अगर एक अगर एक महिला एग्री कर जाती है किसी भी फिजिकल फेवर के लिए, तो वो कल मी टू लगाने के लिए फ्री नहीं है। आप मेरा पॉइंट समझिए। वही बात मैं कर रही हूँ कि जो लड़कियां नहीं करना चाहती हैं, उनको टैलेंट, उनके टैलेंट को दबाया जाता है। तो जो लड़कियां है ना, हर कोई लड़की तो एग्री नहीं होती है। 90% अगर लड़कियां एग्री नहीं है, उनकी कोई मजबूरी हो गई, कोई लड़की है उसके घर में कुछ मर गया और वो हमारी तरह अच्छे खासे घर की नहीं है, ना उसके पास कोई पैसा है। हम तो यहाँ लेकर आए थे, हमारे पास था, हम घर से ठीक ठाक थे। तो जब हम घर से ठीक ठाक थे, हमारे पास सब कुछ था, तो हमने हम सर्वाइव कर गए। लेकिन उनके पास नहीं है, वो मजबूरी में अगर करती है तो उनके वीडियोस बनाए जाते हैं, उनको ब्लैकमेल करा जाता है, फिर उनको इसी कामों में, जो ड्रग है ना कि तुम ये लेकर जाओ, वहां लेकर जाओ, ये उनसे कराया जाता है। तो अब वो बेचारी जो कुछ नहीं करना चाहती थी, वो बर्बाद हो जाती है। मैंने लड़कियों को भीख मांगते हुए देखा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई लड़की अपनी मर्जी से। ठीक है, इस चैनल पे एक सीरीज चलाइए, आप एक चैनल पे एक सीरीज चलाइए कि चैनल आपके साथ है, कानून आपके साथ है, इस चैनल के आगे कंप्लेन करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर, नहीं बिल्कुल, कोई भी गलत चीज है, कोई भी गलत चीज है, कास्टिंग काउच गलत है, ड्रग्स लेना गलत है, हर चीज गलत है। अगर ये गलत है, इसको लेकर आप कह रहे हैं, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि ठीक है, कोई लड़की एग्री कर गई, डिसएग्री कर गई किसी फिजिकल फेवर के, वो उनका अधिकार है, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। हमारे देश की संस्कृति के, हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है, और कोई ठीक है, देश की संस्कृति के खिलाफ है। प्रोग्राम जब स्टार्ट हो रहा था तब आपने कहा था कि अगर मुझे कोई पैसे देगा और मैं वैश्या बनने का मुझे रोल दिया जाएगा जीबी रोड पर, तो मैं वो भी बन जाऊंगी। ये आपने कहा था कि ये कला है, ये कला है। अब कला और कहां संस्कृति, प्रवचन देने के लिए आप भाषण मत दीजिए। चलिए ठीक है, प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, टाइम समाप्त हो चुका है। तो आप आवाज का कार्यक्रम देख रहे थे जिसमें हम बातचीत कर रहे थे दरअसल कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, क्या दो अलग अलग एंगल से, दो अलग अलग परसेप्शन से चीजों को देखा जा सकता है, क्या आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, उन्होंने अगर ड्रग्स, गांजा, चरस कुछ भी रखा है, नहीं रखा है, लिया है, सेवन किया है, तो क्या ये एक नेशनल मुद्दा है, ये शाहरुख खान के घर का मुद्दा है या भारत देश का मुद्दा है, इस पर हम लोगों को गहन चर्चा करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।